crazy ho jayega. Family fun ka naya destination. Masti mein time yahan ud jayega. Magical, ya. Magical, ya. Magical, ya. Magical, come to a magical. तो गाइस स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अब आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है एको अमेजिका को भी कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग फिर आ गए हैं एको अमेजिका ओपन होने के नेक्स्ट डे ही। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एको अमेजिका जो है लॉकडाउन के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्या क्या राइड्स बंद हैं, क्या ओपन है, टिकट कॉस्ट कैसा है। तो फिलहाल हम लोग ने टिकट ले लिया है और अभी जो टिकट का कॉस्ट है 1099 रुपीज़ प्लस टैक्सेस मिला के 1250 रुपीज़ के आसपास का टिकट हो जाता है। ये देख लो। तो एको अमेजिका और ये इमेजिका दोनों एक ही है, आपको पता है, बट दोनों के जाने के रास्ते अलग है। तो अभी जो देख रहे थे नाइट्रो है, तो इमेजिका आओगे तो नाइट्रो नहीं ट्राई किया है तो पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिका में नाइट्रो सबसे डेंजर राइड है और एको अमेजिका में सबसे डेंजर राइड कौन सी है ये हम लोग वहाँ पे जाके पता करेंगे, क्योंकि अभी सो पता नहीं रहेगा। तो आप सामने जो देख रहे हो ये वहाँ पे जाने का जो वे यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप किस तरह से जा सकते हो। तो आप एको अमेजिका दो तरह से जा सकते हो, एक तो आप रूट पे ले सकते हो, अदरवाइज आप ले सकते हो यहाँ से अब बस। तो फिलहाल हम लोग जाते समय रूट पे ले लेंगे और आते समय हम लोग जो बस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तो दोनों कवर हो जाएंगे वीडियो में और दोनों का एक्स्ट्रा एक्सपेंस मिल जाएगा। तो गाइस आप जब काउंटर से अगर टिकट बाय कर रहे होते हो या फिर अगर आपने ऑनलाइन भी टिकट बाय किया रहता है तो उस समय आप काउंटर से जो है अपने लॉकर्स का यहीं से बुकिंग करके जाओ, वो बेटर रहता है। क्योंकि आप लॉकर्स का बुकिंग यहीं से करके जाओगे ना तो वो आपके लिए बेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वहाँ पे जाके वेट नहीं करना पड़ता है। आपको यहाँ से लेके गए, आपको लॉकर की सारी चीज़ें मिल जाती है, आप वहाँ पे जाके अपना लॉकर नंबर मैच कीजिए और उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो सामने की एंट्री है ये इमेजिका की एंट्री है, एडवांस इमेजिका जो थीम पार्क है, और इसके ऊपर से हम लोग जाएंगे एक्वा इमेजिका के लिए। तो ये रूप बे का वे है और जो इसके अपोजिट साइड में वहाँ से जो है बसेस का व्यू जो है वे है, आप वहाँ से चाहिए तो बसेस से जा सकते हो। तो चलते हैं और देखते हैं रूप बे। लास्ट टाइम जो मैंने इमेजिका में विजिट किया था तो मैंने ये रूप बे देखा था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने एक दो वीडियोज़ में भी देखा था, तो ये मेरे को ट्राई कर रहा था, तो मैं इसलिए इस रास्ते से जा रहा हूँ। और कोई रीज़न तो है नहीं और साथ साथ में वीडियो में दोनों चीज़ कवर भी हो जाएगा। जाते समय मैं रूट पे लेता हूँ, आते समय मैं जो है इसके बारे में कर लेता हूँ। अब चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज बोरिंग होने लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये रूट पे आप जब ये ट्राई करोगे तो आपको यही फील होगा कि यार अब बस ये डिस्टेंस ख़त्म ना हो और चलते रहें, मज़ा आ जाएगा आप लोग को इस पे राइड करके। फिलहाल हमें तो बहुत मज़ा आया था ये राइड करके, हालांकि इस पे ये आपको जो अभी कोविड के टाइम पे पहले इसमें लोग 8 पीपल्स को लोग लेके जाते थे एक साथ में, बट अभी ड्यू टू द कोविड गाइडलाइंस और कोविड के प्रिकॉशंस की वजह से अभी सिर्फ 4 लोग को ही अलाउ कर रहे हैं अंदर, ठीक है, कोविड डिस्टेंस में जो वहाँ पर मार्किंग है उसके अंदर। तो इसका जो कुछ ट्रैवलिंग टाइम और जो है वो अराउंड कुछ 2 से 3 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है और ये ऑटोमेटिक चलता है, इसके अंदर कोई ड्राइवर ऐसा कुछ रहता नहीं है। हालांकि इसका सिर्फ विंडो बंद होता है, अंदर कोई अंदर ऐसा कुछ पकड़ने का है नहीं, बट काफ़ी सेफ है। और इसका जो ऊपर से जो आपको व्यू मिलता है वो बहुत है यार, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आप देखोगे ना तो फिर आपको एक मतलब सामने से ऐसा लगेगा यार बस ये जो है ऐसे ही चलते रहे रूप पे और ख़त्म ना हो और कंटिन्यू ऐसे ऐसे व्यू आते रहे, मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सीरियसली। आप जब ये राइड करोगे ना तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस यार अगर ट्रैवलिंग की भी बात करूँ मैं आप लोग से, तो आप लोग पुणे से ट्रैवल कर रहे हो या फिर जो है मुंबई से ट्रैवल करो, तो दोनों जगह से आना यहाँ पे ईजी है, खोपोली कहीं से भी रीच करना बहुत ईजी है। और इस समय मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्राउड अंदर ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब वो तो अंदर जाके ही हमें पता चलेगा कि क्राउड हमें ज़्यादा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, जब वहाँ पे हम लोग रीच करेंगे उसके बाद ही पता चले। बट एक्सपेक्टेड लॉकडाउन के टाइम पे मुझे क्राउड ना मिले तो मैं सारे राइड्स आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूँ।
तो यार गाइस, अगर आप नए हो और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ, तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड, राइड से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलो फाइनली हम लोग जो है पहुंचने वाले एक्वा इमेजिका का, ये जो 2-3 मिनट का ट्रैवल था उसको कंप्लीट करने के बाद आपको 100-300 मीटर तक जो बाय वॉकिंग जाना पड़ता है, उस बीच में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपको दिख जाएगा सामने एक्वा इमेजिका। थोड़ा सा फील होता है, ठीक है चलो इतना चला, कोई बात नहीं, अब पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। तो लो अब चलो चलते हैं, अपना टिकट्स फाइनली यहाँ पे लास्ट टाइम चेक करवा लेते हैं, और यहाँ से कुछ अपने लॉकर से रिलेटेड डिटेल्स और भी कुछ है जो डिटेल्स यहाँ से कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगर एंट्री मारते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड इन द सेंस मतलब अरीना में, जो भी यहाँ पे है कौन कौन से राइड से क्या कुछ है यहाँ पे, वो सब चीज़ों पे। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना लॉकर रूम, कि अपना लॉकर रूम कैसा है, साथ साथ में हमें लॉकर रूम ओपन कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स हम चल के वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक्वा जो इमेजिका है, जो इमेजिका के जस्ट जो थोड़ा अप साइड में बना हुआ है, तो इसके लिए जो है इसका जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है, और वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आ गए अभी हम लॉकर रूम में। तो जो आपको की मिलती है उस पर एक नंबर दिया रहता है यूनिक, उसी नंबर से अपना जो है लॉकर नंबर मैच करना रहता है, एंड उसके जो सिग्नल्स रहते हैं उसके सामने उसको अपोजिट साइड में ऐसा करना रहता है, देन अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये सारे लॉकर्स ऑटोमेटिकली हैं, कुछ लॉकर्स हैं जो की टाइप हैं, बट बाकी सारे लॉकर्स जो है ऑटोमेटिकली आपके जो की दी थी उससे ओपन होते हैं। ठीक है, तो चलो फाइनली एंटर होते हैं। तो जैसे आप इंटर हो जाओगे आपको जो है राइट साइड में रेस्टोरेंट दिखेगा, फिलहाल के लिए यही रेस्टोरेंट जो है लॉकडाउन में अभी जब हमने विजिट किया है वही रेस्टोरेंट एक चालू था। यहाँ पे खाने के लिए फूड काफ़ी अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में भी था, अराउंड 350-500 तक एक पर्सन के लिए इनफ फूड आ जाता था, फूड प्लस ड्रिंक, ड्रिंक में वो भी रेडबुल दे रहे थे 500 में, 350 अराउंड कुछ कॉस्ट था उसका, एंड 150 फॉर रेडबुल, एंड रेडबुल के साथ साथ एक और ड्रिंक भी दे रहे थे एक्स्ट्रा, तो फूड के लिए था। फिर उसके सामने कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे आप जो नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें दिखा वहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बोर्ड्स थे कि हमें किस वे में जाने पे कौन से राइड्स मिलेंगे, कहाँ जाने पे कौन से राइड्स मिलेंगे, तो बोर्ड से ज़्यादा हम लोग ने प्रेफर किया कि चलो मैप, क्यों ना मैप ही देख लेते हैं। और मैं भी आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कहीं पे भी जाओ, किसी भी पार्क में, किसी मॉल में, वट एवर, किसी भी ऐसे बड़े प्लेस पे जाओ जहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन्जॉय करनी है और आपके पास लिमिटेड टाइम हो, और वहाँ पे एंट्री फीस भी आप ज़्यादा पे करके गए, तो सबसे पहले आप मैप देख लो कि आप मैप में कहाँ हो, फिर अपना एक प्लान कर लो, 2-4 मिनट अपने आप को दो, अपना प्लान कर लो कि मैं यार कौन कौन से राइड्स यहाँ पे करने वाला हूँ, कौन कौन से राइड्स पे जाऊँ, किस किस वे से जाके सारे राइड्स कवर कर पाऊँगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वो आपके लिए इजी पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। फिलहाल मैप देख के हम लोग को तो ये प्लान मिल गया था। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी और देख लेते हैं। तो स्टार्ट होगा ये जो है बच्चे लोग के राइड से, जो पहले जो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये किड्स लोग के राइड से स्टार्ट होता है। तो आप इसको स्किप मत करो कि आपको लगेगा यार नहीं ये सब बच्चे लोग के राइड पे कौन जाएगा, ज़्यादातर मज़ा आपको यहीं राइड्स पे आएगा, क्योंकि मोस्टली बहुत, अगर मान के चलो 50-50 का भी अगर क्वेश्चन पकड़ो तो 50% तो फैमिली मेम्बर्स ही जाते हैं, तो ये सारे राइड्स उनके लिए ही हैं। और इवन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ किड्स ही जा सकते, आप लोग एडल्ट लोग भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, और बिलीव मी यार गाइस यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है आपको। बड़े बड़े अडल्ट राइड्स पे तो आपको मज़ा आता ही है, वो तो डेफिनेटली आना ही है क्योंकि आप उसके लिए गए हो, बट आप ये सारे राइड्स पे भी जाओगे ना तो इसमें आपको और मज़ा आएगा। ये सारे किड्स राइड ही रहते हैं और यहाँ पे जो है हर जगह पे आपको जो है आपके एज के हिसाब से हर राइड्स में अलाउड किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहता जज करने वाला, ना ही कोई इंस्ट्रक्टर रहता है और ना ही कोई आपको जज करने वाला रहता है, तो आप यहाँ पे इजिली आप किसी भी राइड्स में जा सकते हैं। यहाँ की जो राइड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ चाइल्ड वाले, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा, आप अनलिमिटेड कितने बार भी जाओ क्योंकि यहाँ पे क्राउड मिलेगा नहीं। और बेसिकली इस टाइम पे मैंने अभी जब इंटर किया अंदर तो मैंने देखा नहीं कितना क्राउड है, ऑलमोस्ट कुछ लाइक 50-100 पीपल्स ही दिखे थे मेरे को टोटल, बट एंड ऑफ द डे तक कितने हो जाते ये देखना है, तो फिलहाल मेरे को लग रहा है ये जाने वाली। चलो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे वाले राइड्स कौन कौन से। फिलहाल यहाँ पे तो आपको मिल जाएंगे बायर एक्सप्रेस, अभी चाइल्ड वाले स्प्लैश है, ट्विस्टर भी है, एंड जो बैलो है जो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो राइड्स है ये स्प्लैश है।
तो यार बहुत हो गए किड्स राइड्स, चलो अब चलते हैं अपने मेन राइड्स पे और देखते हैं कितने सारे अडल्ट बड़े बड़े राइड्स हैं और उन पर अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो सबसे पहला जो राइड है जिसमें हम लोग गए ये था जिप जैप जूम। तो ये बिल्कुल इसके नाम की तरह ही था, जिप जैप जूम उसकी तरह ही है यार। आप ऊपर से जब अपने वो जो भी रहेगा इसको क्या बोलते हैं यार, जिसको हम लोग लेके गए थे, आई डोंट नो उसका नाम मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा, बट उसको लेके जब वहाँ पे आप जाओगे ना पानी में तो वो आने का जो इसका कर्व है ना वो जिप जैप जूम जैसा ही है आपको, बट बहुत मजा आएगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी लंबा दिखाते हैं और वहाँ से देखो आने की स्पीड अगर देख रहे हो मेरी तो ऑलमोस्ट कुछ मुझे 3 से 4 सेकंड लगा था इसको कवर करने में। बहुत सही राइड है, मस्ट ट्राई। आप पहले ट्राई करोगे, जितनी बार भी ट्राई करोगे आपको बार बार जाने का मन करेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बगल में और दो राइड्स हैं बट वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, फिलहाल ये जो है ये रेन डांस है और सामने जो आपको एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ये है वैकी वेव्स। तो वैकी वेव्स अगर आप एसलवर्ड गए रहोगे तो आपको पता होगा, सॉरी वाटर किंगडम, एसलवर्ड वाटर किंगडम वैकी है, ओके। तो वाटर किंगडम गए रहो तो वहाँ पे आपको पता होगा वेब पूल है, वेब पूल ये वही है यानी लहरें आएंगी लंबी लंबी और आपको उसमें उछलने का मजा आएगा। फिलहाल ये इसको बंद रखा है कोविड गाइडलाइंस का वो बोल के, ठीक है, बोल नहीं सकते कि उसमें क्या रीजन है। तो जो सेकंड राइड्स हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया वो था थ्रिल व्हील। थ्रिल व्हील ये राइड्स भी बहुत सही था गाइस, बट इस राइड्स में जाने के थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन है जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इसमें जो है एज तो 18 के ऊपर वालों को ही ले रहे हो एक पर्टिकुलर हाइट्स और वेट के हिसाब से, प्लस मिनिमम 4 लोग ही रहने चाहिए आपके ग्रुप में या फिर किसी और ग्रुप से आप टाइप कर सकते हो। ये बहुत सही राइड है, इस राइड का भी जो मेन पर्पस है अगर आप ये थ्रिल व्हील देख सकते हो इसके अंदर ही इस राइड का पूरा मजा है। इससे पहले तो ये राइड्स ऐसा लगता है कि आप यार बहुत स्लो आ रहे हो। तो हम लोग ने थोड़ा सा बहुत बात करने की कोशिश की वहाँ के स्टाफ से कि अभी का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे लाइक आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है सेकेंड डे गए थे तो फर्स्ट डे में कैसा रिस्पॉन्स रहा हम लोग ने पूछा, तो नॉर्मली यार उसका यही रिस्पॉन्स था सामने वाले बंदे का या फिर कि अभी यहाँ पे जो है क्राउड पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, यानी पहले जहाँ आर के पहले घंटे में या फिर आर एक दो आर में 100 लोग आते थे अभी डे में उतने लोग आ रहे हैं एक एमएजी में ड्यू टू तो कुछ राइड्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अंडर या बोल सकते हो अंडर मेंटेनेंस है उसकी वजह से ये भी रीजन हो सकता है, प्लस और भी रीजन्स हो सकते हैं, कोविड तो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो जस्ट उसके बाजू में ये जो दूसरा राइड है इसके बाजू में थ्रिल व्हील के ये है बूम रंगो। ये राइड्स भी कुछ इसके जैसा मिलता जुलता, तो बेसिकली यहाँ पे 2-3 राइड है ना जो आपको टायर्स पे रहते हैं जहाँ पे 2-3 लोग अलाउड नहीं होते, सॉरी जहाँ पे 3 से 4 लोग अलाउड होते हैं। अभी ये ब्लूम रंगो जो राइड है यहाँ पे आपको मिनिमम 3 लोग चाहिए राइड करने के लिए। ये राइड भी बहुत सही है, इसमें जो है बीच में इसके जो कर्व्स हैं राइड्स के उसकी वजह से आपको बहुत। तो चलो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट राइड पे और देखते हैं नेक्स्ट राइड अपना कौन सा आने वाला है। तो गाइस इस राइड का नाम है राप्टास्टिक। तो ये राइड भी कुछ बूम रंगों की तरह ही मिलता जुलता है, इसमें भी जो है 3 लोग मिनिमम और मैक्सिमम अलाउड होते हैं, इसमें भी वेट हाइट आपका चेक किया जाता है उसके बाद ही आपको आने दिया जाता है। और ये राइड उससे इतना डिफरेंस क्यों है क्योंकि ये राइड सबसे मुझे लगा सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला राइड है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आपको गोल वाला दिख रहा होगा वहाँ पे तो उसमें जब ये जो ये टायर है उसमें से जब पास आउट होता है तो वो सबसे मोमेंट रहता है यार, बहुत मजा आता है इस राइड में। अब इस वे में आप अगर आप फन के लिए जा रहे हो तो नॉर्मली सारे राइड में आपको फन आएगा, बट ये एक पर्टिकुलर ऐसी राइड रहेगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें और मजा आएगा आपको। इसके बाद हम लोग जो है अगली राइड पे जाएंगे, बट फिलहाल के लिए बता दो यार गाइस अगर आप यहाँ पे इस समय आ रहे हो कोविड के टाइम पे तो अपनी जो है नॉर्मल प्रिकॉशंस जो है फॉलो करो। यहाँ पे मास्क के बिना जो है कोई भी राइड्स अलाउड नहीं है, सारे राइड्स में आपको राइड के टाइम पे मास्क नहीं पहनना है बट राइड से पहले आपको पूरे पार्क में मास्क पहन के रखना है। मास्क के बिना आप लोग कहीं पे घूम नहीं सकते, हैंड सैनिटाइज करते रहो कंटिन्यूसली, ये यहाँ पे आपको हर जगह बोलते रहेंगे। साथ साथ में अभी इस टाइम पे देखा गया है कि कोई भी राइड्स पे ज़्यादा क्यों नहीं है बट राइड्स को ज़्यादा अंडर मेंटेनेंस किया गया, उसको एक लिमिटेड टाइम दिया गया कि ये राइड्स इतने टाइम के लिए ही ओपन रहेगा, उसके बाद इतने टाइम के लिए ओपन होगा। हालांकि पहले भी ऐसा होता था बट अभी ऐसा क्यों किया पता नहीं है, शायद मे भी बहुत दिन बाद ओपन हुआ है इसलिए। तो चलो अपने नेक्स्ट राइड पर चलते हैं बिना ज़्यादा टाइम पास किए हुए। अब ये सबसे खास राइड था, मुझे ये सबसे खास लगा क्योंकि ये राइड का जो स्पीड है ना गाइस यार वो स्पीड ना मतलब सही था। मैं बोल नहीं सकता आपको कि इस राइड का मैं स्पीड आपको किस तरह से बताऊं।
इसका स्पीड इतना खतरनाक था, इसका जो यहाँ पे कलरिंग वाले में इसका स्पीड, ये स्पीड बहुत सही है। और इसका जो अंदर का ये जो टर्वी बना हुआ है ना, इसका ये राइड का नाम ही यही है, ट्विस्टी टर्वी। तो यहाँ से जब ये पास आउट होता है ना, आपको ऐसा लगे आप किसी टनल में जा रहे हो, देन सडनली आप वो टनल से आप में लाइट आ जाती है, मतलब टनल के अंदर लाइट आ जाती है, फिर पास आउट हो। तो ये मतलब ये भी एक अच्छा डिस्टेंस वाला राइड है। फिर ये टर्वी जैसा आएगा, मीन्स यहाँ पे भी आपको चारों तरफ राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमोगे, फिर सडन एक छोटे से टनल में फिर घुस जाओगे, देन आपको बाहर आने का मौका मिलेगा, बाहर चले जाओगे। जब तक आप उसमें नहीं घुसोगे आप बाहर नहीं आ पाओगे। एंड ये पूछो मत गाइस, सबसे डेंजर राइड है। तब मैं एसएल वर्ल्ड में 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट 19 टाइम्स गया था पूरे दिन भर में, पर यहाँ पे मैंने सोचा था एटलीस्ट 9 टाइम तो जाऊँगा, पर फर्स्ट टाइम गया वो लास्ट टाइम था। मैं नेक्स्ट टाइम कभी मैजिका जाऊँगा भी तो एक्वाई मैजिका ये कभी नहीं ट्राई करने वाला, कभी भी नहीं। नॉट डेंजर ना यार, मतलब अंदर गया 10 सेकंड तक उसका 1-2 टिक टिक 10 हुआ, 10 वो ओपन होगा नीचे का प्लेट, बाप रे, स्लाइड जुप करके सीधा बाहर आओगे। वो जो डिस्टेंस है ना, एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, अराउंड 400-500 मीटर का, पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब खत्म हुआ। आपकी सांसें एकदम ना ऊपर हो जाएंगी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो। जाने से पहले आप ये चीज़ ना वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेना, तब भी ही जाना, अदरवाइज मत जाना उस राइड में। बहुत खतरनाक है, बहुत डर लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप खत्म। इससे बड़े बड़े राइड रहे और भी बहुत सारे जगह पे, बट ये कुछ हटके था। तो जो सबसे अभी हम लोग ये सोच रहे लास्ट राइड है, क्योंकि बाकी सारे राइड्स जो है हम लोग ने कवर कर लिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये जो था फ्लोटर्स का था, तो सबसे लास्ट में आप इसको एंजॉय करो, क्योंकि ये राइड्स आपको भी पता है रिलैक्स वाली राइड है एकदम। अपने फ्लोटर्स यानी और ट्यूब ले लो, ट्यूब के ऊपर आराम से बैठ के फिर चलते रहो पानी में, आगे की तरफ जाता रहेगा। ये राइड्स मोस्टली सारे वाटर पार्क्स में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो चलो यार करते हैं एंड अपनी ट्रिप में। तो जाते समय हम लोग ले रहे हैं बस, क्योंकि बस का एक्सपीरियंस भी करना है कि कैसा है बस का एक्सपीरियंस। चलो तो कैसे हो यार आप लोग, आज का ट्रिप काफ़ी मस्त रहा, इंजॉयबल रहा। और अगर आप आना चाहते हो एक्वाई मैजिक का, तो ये सही टाइम है आने का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना कोई बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं। और फिलहाल तो आपको पता है मार्च चल रहा है, मंथ है इंडिया, बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉय जो बिजी अपना परफॉर्मेंस दिखाने हैं, तो वहाँ पे भी दिए फिलहाल कोविड गाइडलाइंस, उसकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। और इस समय जो टिकट कॉस्ट वही है सेम, कुछ इतना डिस्काउंट नहीं। अगर 5 जन से ज़्यादा आपकी बुकिंग, 5 से ज़्यादा टिकट्स की आप बुकिंग कर रहे हो, तो आपको अराउंड कुछ 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगर 5 से कम टिकट बुक करते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अभी जो करंट टिकट का प्राइस है 1099 प्लस GST टैक्सेस, यानी अराउंड 1250 रुपीज़ हो जाता है एक टिकट का कॉस्ट, जो कि फिलहाल ठीक है अभी के हिसाब से। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पास लेते थे तो आपको पहले एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता था, अभी एक्सप्रेस एंट्री पास लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री है हर जगह पे, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, सारे राइड्स पे किसी भी राइड्स की लाइन नहीं लग रही है। तो बेटर है इस टाइम पे आओ, पे खाली खाली है, ज़्यादातर लोग आ नहीं रहे फिलहाल। आज की बात को तो आज के दिन में पार्क्स में कुछ अराउंड 100 लोग ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो चलो खत्म करता है गाइस, बाय बाय टाटा, एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।